अरे रोहन, मुझे आज तुम्हारे पीए की जरूरत है। अपेक्षा, गो टू माय कैबिन। सर सॉरी, नॉट पॉसिबल, आज मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है। सॉरी। शट अप, हु इज द बॉस हियर? आई डोंट नो। व्हाट? यू। रोहन, जब मैं बोलता हूँ कि अपेक्षा मेरे साथ काम करेगी, मतलब अपेक्षा मेरे साथ काम करेगी। ओके अपेक्षा, कैरी ऑन। ओके बॉस। बट ओके बॉस, और जो मैंने तुमसे काम कहा है वो कौन करेगा? जो दो लेटर्स टाइप करना है वो कौन करेगा? अपेक्षा, तुम्हारा बॉस। अरे फंस गए रही हो, जाओ जाके लेटर्स टाइप करो फास्ट। यस बॉस। अपेक्षा, तुम्हें अगले हफ्ते छुट्टी चाहिए ना? सॉरी बॉस, लेकिन आज मैं बड़े बॉस के साथ काम करूंगी। कैरी ऑन। बाय रोहन। बॉस की राक्षसी हंसी के अलावा तुमने कोई और बात ऑब्जर्व की? की टुटुन की गई। रोहन आ गया। अभी आई डार्लिंग। क्या अभी आई डार्लिंग? दरवाजे की घंटी बजी नहीं कि लगी फटक में। अभी आई डार्लिंग। मम्मी तीखी मिर्ची खा गया भैया। एक और कटलेट। रितु, अरे कटलेट खाते खाते लेट हो गया ना, तो ऑफिस में मेरी तनख्वाह कट जाएगी। कटती है तो कटने दो। लेकिन इस तरह आधा अधूरा खाना खाकर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे यार, तुम मुझे मरवाओगी रितु। मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे ऐसा मत कहना, मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है, रिंकू। ना, मेरा बॉस। ये तुम्हारी गलत फहमी है रितु। असली बॉस तो रिंकू है। रिंकू? अरे असली बॉस मैं हूँ। मैं। अच्छा। लो होल्ड पे है। तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? हेलो। हाँ रिंकू बोलो। तुम अब तक ऑफिस नहीं गए? बस अभी जा रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे पूरा घर सर पे उठा लेते हो कि मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, और यहाँ से निकलते ही उस रंभा के पास चले जाते हो। हाँ, हेलो रंभा, किसको कह रहे? हाँ रंभा होगी तू, तेरी अम्मा। ए चोरी चुपके हमारी बातें सुनने वाली, कान खोल कर नहीं कान फाड़ कर सुनो। मैं उसकी वाइफ हूँ, वो वही करेगा जो मैं कहूंगी। चल हट, वो तेरा गुलाम थोड़ी है। वो मेरा गुलाम नहीं, लेकिन मैं उसकी बॉस जरूर हूँ, समझी तुम? हाँ बॉस। रिंकू रिंकू प्लीज यार, स्टॉप फाइटिंग यार। स्टॉप फाइटिंग? तुम मुझे सिखा रहे हो मुझे? लिसन, अभी इसी वक्त ऑफिस चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, बस जा रहा हूँ। इमीडिएटली ऐसे। ओके जाता हूँ बॉस। ओ खन्ना साहब, खन्ना साहब, मेरी गल तो सुनो। ओ नहीं जी, नहीं सुननी तोड़ी गल। आप जो है ना, गल सुनो कह के हमेशा मुझे गलत एडवाइस दे देते हो जी। है? कौन सी गलत एडवाइस दी जी? क्या कहा जी आपने? गल गल कल कल आपने कहा कि बीवियों को काबू में रखने के लिए बीवियों से ऊंची आवाज में गल करनी चाहिए। करेक्ट गल है। करेक्ट गल है, बिल्कुल करेक्ट गल नहीं है। आज मैंने अपनी बीवियों से ऊंची आवाज में गल की, तो सामने से इतनी ऊंची आवाज में गल आई कि मेरा गला बैठ गया। ये तो बहुत गलत गल है। तो तुम एक काम करो, तुम बॉस और सबॉर्डिनेट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। ये गल मैं कुछ समझा नहीं जी। मैं भी नहीं। लो गल लो बात। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब दो बॉसेस को झेलना पड़े तो उस बॉस को चुन लो जो आपकी कन्वीनियंस का हो। इस मामले में अपेक्षा को जरा क्लोजली ऑब्जर्व करो। अच्छा। लो हल्लो गल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टिटन। सॉरी सर, आज मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। एक्चुअली वो क्या है ना, मेरी ब्यूटीशियन जरा देर से आई थी। ओह तो ये गल है। तुम्हारी सुंदरता का राज तुम्हारी ब्यूटीशियन है। सर मुंबई की तकरीबन सारी औरतों की सुंदरता का राज उनकी ब्यूटीशियन ही है। हाँ ठीक है ठीक है, देखो तुम्हें जो दो लेटर्स मैंने टाइप करने दिए थे फटाफट टाइप करके दे दो। Yes, boss. अरे रोहन, मुझे आज तुम्हारे पीए की जरूरत है। अपेक्षा, go to my cabin. Sir, sorry, not possible. आज मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है। Sorry. Shut up. Who's the boss here? I don't know. What? You. रोहन, जब मैं बोलता हूँ कि अपेक्षा मेरे साथ काम करेगी, मतलब अपेक्षा मेरे साथ काम करेगी। ओके अपेक्षा, कैरी ऑन। ओके बॉस। बट ओके बॉस, और जो मैंने तुमसे काम कहा है वो कौन करेगा? जो दो लेटर्स टाइप करना है वो कौन करेगा? अपेक्षा, तुम्हारा बॉस। अरे फंस गए रही हो, जाओ जाके लेटेस्ट टाइप करो फास्ट। यस बॉस। अपेक्षा, तुम्हें अगले हफ्ते छुट्टी चाहिए ना?
सॉरी बॉस, लेकिन आज मैं बड़े बॉस के साथ काम करूंगी। कैरी ऑन। बाय रोहन। बॉस की राक्षसी हंसी के अलावा तुमने कोई और बात ऑब्जर्व की? की टुटुन की गई। रोहन आ गया। अभी आई डार्लिंग। क्या अभी आई डार्लिंग? दरवाजे की घंटी बजी नहीं कि लगी फटकने। अभी आई डार्लिंग। मम्मी। क्या मम्मी, सुबह क्या डिसाइड हुआ था? कि तुम उसे अपनी मुट्ठी में रखोगी, उसके इशारों पर नहीं नाचोगी। याद है मम्मी, लेकिन उसके लिए दरवाजा तो खोलूंगी। अरे दरवाजा खोल, लेकिन उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो बॉस है और तू उसके पैर के जूते। हाँ ठीक है। गुड। डुप्लीकेट चाबी नहीं है क्या तुम्हारे पास? दरवाजा खोल के आ जाओ। करेक्ट। ओफो, तुम दोनों को सुनाई नहीं देता क्या? कब से बेल बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी थी ना, तो तुमने बेल क्यों बजाई? मैंने बेल इसलिए बजाई क्योंकि मेरे हाथों में तुम्हारे लिए गिफ्ट था। गिफ्ट? मेरे लिए गिफ्ट? तुम शॉपिंग करने गए थे तो मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए? सॉरी, गलती हो गई, गिफ्ट वापस करके आओ। नहीं नहीं नहीं, चलेगा। वैसे क्या है इसमें? खुद ही देख लो डार्लिंग। वाओ, नेकलेस। नेकलेस? लगता है रिंकू तुम्हारी मम्मी के गले में कुछ फंस गया है, जरा उनका गला दबा दो। मम्मी मम्मी देखिए ना, रोहन मेरे लिए डायमंड नेकलेस लेके आया है। तो कौन सा बड़ा तीर मारा है? पति है, कभी कभी अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लाना चाहिए, ये उसका फर्ज है। अब रोहन प्लीज मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। हा? अरे नहीं नहीं डार्लिंग, आखिर इनकी बातों का बुरा कैसे मान सकता हूँ, मेरी बॉस की मम्मी जो है ये। मतलब ये कि बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया है कि इस घर में अगर कोई बॉस है तो वो तुम हो। ग्रेट। और आज के बाद डार्लिंग, मैं कोई भी कदम तुमसे पूछे बगैर नहीं उठाऊंगा। वाओ, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। बॉय नहीं, हस्बैंड। ओह राइट राइट। चलो तो तुम्हारा बॉस तुम्हें ऑर्डर दे रहा है कि ये तुम अपने हाथों से मुझे पहनाओ। श्योर बॉस। बॉस फोन ले लो। ले लो ले लो। ओके। हाँ रितु बॉस। रितु बॉस? यहाँ ये मेरी बॉस है और वहां तुम मेरी बॉस हो, लेकिन आई एम वेरी बिजी, आई एम सॉरी, मैं अपने हाथों से अपने बॉस को नेकलेस पहना रहा हूँ। ये सब उसे कहने की क्या जरूरत थी? ओह, फोन करके बता दो कि मुझसे गलती हो गई। नहीं रहने दो। ओके। हार पहनाओ। आपका गला कहाँ है? मजाक कर रहा था। खुद रंभा को नेकलेस पहनाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा सर तप रहा है। मम्मा, सर से पांव तक मैं जल रही हूँ। मम्मी, फायर ब्रिगेड को फोन करो। चुप कर। अरे फायर ब्रिगेड की बजाय अपने बाप को फोन करो। हाँ। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि वो नेकलेस जो है वो बोगस हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? होता है, अपनी रूठी हुई जगदम्बा बीवी को मनाने के लिए हस्बैंड अक्सर जो है नकली गिफ्ट्स देते हैं। अच्छा। ओह रितु, मुझे लगता है मुझे आज ही अपने ज्वेलर से मिलना होगा। मुझे आज ही क्या, अभी उससे फोन पे बात करनी होगी। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट। बिटू जा देख कौन है। नेकलेस। बिट्टू हाय। मम्मी डैडी आए। डैडी, मम्मी की भी एक पप्पी लीजिए ना। क्यों बेटा? क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा है, गुस्से से जल रही है। अच्छा रितु, बिट्टू क्या कह रहा है डार्लिंग? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? क्यों करेगी बात? हैं? क्यों करेगी बात? तुम्हारा सारा पैसा और प्यार उस रंभा पे खर्च हो रहा है ना, तो ये क्यों करेगी बात? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, फोन पर मुझे बता रहे हो कि तुम उसको नेकलेस पहना रहे हो। हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ? यार तुमने फोन ही उस वक्त किया तो मैं क्या करता? डैडी, आप मम्मी को भी एक नेकलेस दिला दीजिए ना। अरे मम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। देखा, तुमसे ज्यादा अक्ल तो तुम्हारे बेटे में है। अच्छा रितु, मुझे बताओ क्या तुम यही चाहती हो? हाँ, आज ऑफिस से सीधे शॉपिंग मॉल चले आना, आज मैं तुम्हें लूटूंगी। ओके ओके। ये क्या कर रहे हो?
शॉपिंग मॉल में फोन कर रहा होगा। हाँ रिंकू देखो। अरे मुझसे क्यों फोन कर रहे हो? अरे रितू, मैंने रिंकू से वादा किया है कि उसे पूछे बिना मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा, इसलिए उसे पूछ रहा हूँ। एक मिनट। हाँ रिंकू, क्या मैं आज शाम को जरा देर से आ सकता हूँ? वो कहना रितू के साथ शॉपिंग मॉल में जाना है मुझे। रितू को भी ठीक वैसा ही नेकलेस चाहिए जैसा मैंने तुम्हें दिया है। मुझसे क्यों बता रहे हो इडियट? एक मिनट, क्या रितू से बात करना चाहती हो? तो क्या मैं फोन उसे दे दूं? ओके। रिंकू ने कहा है। हाँ बोल। तो क्या हुआ? अगर तू उसे लूट सकती है तो मैंने कौन सा पाप किया है? क्या कहा? तू उसकी बीवी है तो मैं क्या पड़ोसी हूँ? Idiot, stupid, shut up! And you? Yes, boss. हाँ? तीखी मिर्ची खा गया भैया। मॉर्निंग सर। अरे अपेक्षा, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा बॉस तो वहाँ है। सर, सर, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा अपेक्षा? अब हर किसी को अपना बॉस चुनने का अधिकार है, यू नो। सर प्लीज, अब मुझसे नाराज मत होइए ना। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए कि आपको मनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बताऊँ? जी नहीं, थैंक यू। मुझे पता है कि आप मुझे क्या बताएंगे। अपेक्षा, तुम एक काम करो, तुम बॉस के केबिन में चली जाओ, वरना उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूँ, जबकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो प्लीज स्टॉप इट। सर, मैं आपको डिनर पर ले जा सकती हूँ? डिनर पर? हाँ, जस्ट यू एंड जस्ट मी। और सर, डिनर के बाद आप मुझे ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओह, एक मिनट। ओह माय गॉड, सर आप क्या कर रहे हैं? आप टेबल बुक कर रहे हैं? हेलो रिंकू बॉस। वो सॉरी टू बॉदर यू बॉस, लेकिन क्या हुआ ना, रितू और मेरा शाम का शॉपिंग का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया ना, तो मेरी सेक्रेटरी अपेक्षा वो मुझे कैंडल लाइट डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती है, तो मैं जाऊं बॉस? अरे नहीं नहीं, उसका मुंह मत नोचना आप। मुंह नोच लिया तो वो डिनर कैसे करेगी बॉस? तो मैं जाऊं उसके साथ? नहीं नहीं नहीं, डिनर कैंसिल। बॉस वो तो भाग गई, उसे वापस बुलाऊं? रोहन एक मिनट। बॉस मेरे सर आ गए, उनसे बात करूं? अब बोलिए सर, ये क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा सेक्रेटरी के साथ? चक्कर वक्कर कुछ नहीं सर, अपेक्षा मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी, इसलिए मैं रिंकू से परमिशन मांग रहा था बस। देखो रोहन, तुम उसके साथ डिनर पे नहीं जाओगे। क्यों क्यों नहीं जाऊंगा सर? क्यों क्यों नहीं जाएगा सर? चुप, क्योंकि उसे डिनर पे मैं लेके जा रहा हूं। एक मिनट। अरे लेकिन ये सब उसे बताने की क्या जरूरत है? रिंकू को बता रहा हूं। हाँ रिंकू बॉस, सॉरी टू बॉदर यू अगेन, वो क्या है ना, मेरा और अपेक्षा का डिनर का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन बॉस उसे डिनर के लिए ले जाना चाहते हैं, तो क्या बॉस अपेक्षा को ले जा सकते हैं? आप बाहर में जाइए, मुझे क्या? क्या रिंकू बॉस ने कहा सर? सो अपेक्षा के साथ वाला प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद तुमने क्या किया? क्या करता डार्लिंग, सीधे घर चला आया। ओ, अपने उस अप्सरा को शॉपिंग करवाने नहीं ले गए? तुमने मना किया था ना, फिर कैसे ले जाता? थैंक गॉड तुमने मेरी बात मानना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स। वो मुझे एक रोटी चाहिए थी, ले लूं क्या? ले लो ना, इसमें पूछने की क्या बात है, रोटी है, रितू थोड़ी ना है। रिंकू, मैं सोने जा रही हूँ। ओके मम्मी। सुन, इससे ज्यादा बहस मत करना, बातों में उलझाएगा तुझे। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। क्या हुआ मम्मी? लगता है उलझ के खुद ही गिर गई। नहीं जाओ, जाके उठाओ ने। उठाओ? मर गई। सासु माँ, कितना अच्छा हुआ। क्या? मतलब ये क्या हुआ? लग गई मुझे। अच्छा दीजिए अपना हाथ दीजिए। अरे मेरा हाथ छोड़, जाके वहाँ से एंटीसेप्टिक क्रीम लेके आ, जल रहा है। रिंकू, तुम्हारी मम्मी कह रही है कि मैं वहाँ से जाके एंटीसेप्टिक क्रीम ले आऊँ। ले आऊँ क्या? हाँ ले आओ। ओके। का दुश्मन कहीं? लग गई लग गई। अरे
क्या नहीं आ रहा उसे लगाना मुझे लगी है। अरे रिंकू तुम्हारी मम्मी कह रही है कि मैं एंटीसेप्टिक क्रीम लगाऊं, लगाऊं क्या इन्हें? ओके रिंकू इसे सेप्टिक तो नहीं ना होगा? एंटीसेप्टिक क्रीम लगा रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे रिंकू तुम्हारी मम्मी मुझसे पूछ रही कि मैं एंटीसेप्टिक क्रीम लगा रहा हूँ या इनका मजाक उड़ा रहा हूँ, क्या जवाब दूँ? कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं। अरे यार ये कह रही कि मैं ऐसे चला जाऊँ, चला जाऊँ क्या? रोहन प्लीज चले जाओ। ओके जाता हूँ, लेकिन ठीक से क्रीम लगाना है यहाँ। किसे फोन कर रही है तू? रोहन को मम्मा, बल्कि एक घंटे पहले भी फोन किया था। ओहो क्या जरूरत थी उसे फोन करने की? वो कमबख्त तो पूरी तरह से दूसरी बीवी के मुट्ठी में चला गया है। अरे उस रंभा की मुट्ठी में खुलवा कर ही रहूंगी। अच्छा रितु डार्लिंग के बच्चे, ये क्या तमाशा है? तमाशा कहा, तुम्हारी मम्मी तो नाच नहीं रही है। अरे मैं नहीं नाच रही हूँ, तुम नाच रहे हो। वो भी उस रंभा के इशारों पर। अरे यार तुम्हें क्या करूं? देखो रिटू, रिंकू समझती है कि वो मेरी बॉस है, तो ओके तुम मेरी बॉस हो ना तो ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। तो यहाँ के चक्कर काट के बाहर की धूल यहाँ की उजाड़ रहे हो? देखिए आपकी बेटी ने फोन करके बुलाया इसलिए आया हूँ यहाँ पे, वरना रिंकू ने तो मुझे वार्निंग दिया है। रिंकू गई फाड़ में, अब मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, जल्दी से होश में आ जाओ वरना वो औरत तुम्हें बिट्टू से भी छीन लेगी। क्या? हाँ एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? रिंकू, रितु कहती है कि तुम मुझे इस तरह बिट्टू से भी छीन लोगी। क्या रितु से बात करनी है तो फोन उसे दे दूं? ओके मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, और तुम गेट आउट, गेट आउट। अरे जो आदमी एक सजावट की गुड़िया का बनके रह गया उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक मिनट रिंकू, रितु कहती है कि जो आदमी सजावट की गुड़िया बन के रह गया। पांडे, ये पांडे का घर नहीं है, चलो। अरे हमारा नाम है चेयरमैन पांडे, हम इस बिल्डिंग के चेयरमैन हैं। आइए हैं ट्रेजरार कुलकर्णी जी। नमस्कार। नमस्कार। रोहन जी हैं का? रिंकू, रोहन से मिलने कोई आया है? अरे कोई नहीं, चेयरमैन पांडे। क्या काम था? वो सो रहे हैं। दरअसल भाविश बात यह है कि हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर डांडेकर रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह हम लोग रोहन जी को सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहते हैं। रोहन, रोहन जल्दी बाहर आ जाओ। अरे रोहन, 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 जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, ये तो सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। दरअसल हम आपको सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। रिंकू, दरअसल ये मुझे सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, बन जाऊं क्या? हाँ रोहन, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ओह सॉरी, ओके। क्या करना होगा मुझे सेक्रेटरी बनकर? कुछ खास नहीं, अपनी सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने होंगे, और बजट भी सैंक्शन करना होगा। एक मिनट रिंकू, मैं बजट सैंक्शन कर पाऊंगा क्या? हाँ रोहन, यही तो काम होता है सेक्रेटरी के। अच्छा ओके। दरअसल बात ये है कि हमें अपने सोसाइटी के लिए एक ईमानदार सेक्रेटरी चाहिए, तो सोसाइटी के किसी भी काम में पैसे वैसे न खाए। वैसे न खाए तो कैसे खाए? दरअसल हमें एक ईमानदार ऑनेस्ट आदमी की जरूरत है, आप ही की तरह। एक मिनट रिंकू, ये कह रहे हैं कि इन्हें एक ईमानदार आदमी चाहिए जो पैसे ऐसे नहीं वैसे खाए, ये सब मैं कर पाऊंगा क्या? हाँ पांडे जी, हमें लगता है कि हमें कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा। क्यों? अरे हमें सोसाइटी का सेक्रेटरी चाहिए, बीवी का सेक्रेटरी नहीं चाहिए। चलिए चलिए रिंकू, ये क्या कह रहे थे? शट अप रोहन, कुछ दिन पहले तुम मेरी एक बात नहीं सुनते थे और अब हर बात में मेरी सलाह ले रहे हो। डार्लिंग तुम मेरी बॉस जो हो। बॉस मत बोल। ए मैंने पट्टी कब पढ़ाई? चुप, तुमने पट्टी बनाई, वरना हर छोटी छोटी बात पर वो मेरी इजाजत क्यों ले रहा है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि कल तक वो मेरी हर बात मानता था, लेकिन आजकल तुम्हारी इजाजत के बिना वो कुछ नहीं करता। तो मैं बीवी हूँ उसकी, मेरा हक बनता है। मेरा भी हक बनता है। तुम
तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोला। सॉरी यार, मैं क्या बोल सकता हूँ? अब तुम ही डिसाइड कर लो कि तुम में से कौन मेरा बॉस है। प्लीज प्लीज छोड़िए ना इसे भाई साहब। कौन भाई साहब? कौन भाई साहब? अच्छा, मेरा नाम भाई साहब नहीं, मेरा नाम भाई अन्ना है। हेलो घर में जितना भी सामान है सबको इसके हवाले कर दो। कर दो, कर दो, नहीं तो सबको भून के रख देंगे। भून के रख देंगे? क्या भून के रख दोगे? हम लोग क्या भुट्टे हैं क्या? एक चुप कर भुट्टे। भुट्टे? बुड्ढे। ये बुड्ढे। बुड्ढे? अबे बुड्ढा किसको बोला? बुड्ढा होगा तेरा बाप। भाई अन्ना मारो। ओके सर। मुझको नहीं, उसको मारो। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही दोनों कुछ कर सकती हो, तुम ही तो मेरी बॉस हो ना। बॉस बॉस बस बस बस, हम बॉस नहीं है, तुम मेरे बॉस हो। अरे रिंकू ऐसा तुम समझती हो, लेकिन रिटू थोड़ी ऐसा समझती है। तुम ही मेरे बॉस हो, तुम ही मेरे बॉस हो। बॉस बॉस, आई मीन बस यार बस। ओके, तो फाइनल हो गया कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ओके, तो अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। यस यस बॉस। अच्छा अबे जा! रिंकू, ससुर जा! ओ अच्छा, हाँ मैं जानता था नकली है, लेकिन मुझे बताओ कि असली बॉस कौन है? तुम ही हमारे बॉस हो रोहन। रोहन सर। अरे अपेक्षा तुम? सर सर जल्दी चलिए, अभी जिन गुंडों को आपने पीटा था ना, उनको अस्पताल में भर्ती करना है सर। है? उन गुंडों से हमारा क्या ताल्लुक है? सर वो नकली गुंडे थे। यस सर। सर वो तो बॉस और टुटुन थे जो गुंडे बनकर आए थे ये साबित करने के लिए कि आप यहाँ के बॉस है। क्या? अरे शोर मचा है अब गलियों में, उलझ गया भंवरा गलियों में, हाय चुभते हैं।